आज डे थ्री है, हम लोग निकल रहे हैं सेंटोसा यूनिवर्सल के लिए। सुबह यहाँ से मेट्रो में जाएंगे एमआरटी में, हार्बर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर, वहाँ से फिर शॉपिंग मॉल में स्टॉप पे, वहाँ से सेंटोसा एक्सप्रेस जाएंगे। सेंटोसा एक्सप्रेस में बैठेंगे, उसका टिकट आई थिंक $4 के करीब है पर पर्सन। हम लोग पहुँच चुके हैं सेंटोसा स्टेशन के पास, वहाँ से बैठेंगे मोनोरेल में और सीधा सेंटोसा आइलैंड, फिर वहाँ पे करेंगे एंजॉय। ये सेंटोसा स्टेशन है, पूरा पीछे देख सकते हैं आप, सेंटोसा स्टेशन पूरा मॉल है। $4 का खर्चा किया है, $12 का वो $4 पर पर्सन। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। सो द वेट इज़ ओवर, हम यूनिवर्सल स्टूडियोज देख सकते हैं आप हमारे पीछे, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब इसके एक मेन गेट पर है यूनिवर्सल स्टूडियोज के, और अंदर चल के देखते हैं, अंदर बहुत सारी राइड्स हैं और बहुत अच्छे। और ये यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर हम आ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर्स या राइड्स के अंदर, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लाइन शुरू हुई है और ये लाइन आगे तक जा रही है, ये देखिएगा लाइन आगे। और हमें जाना है ऊपर यहाँ पर, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी जुगाड़ कुछ सोच रहे हैं, कुछ जुगाड़ी हो जाए कोई बंदे, लेकिन होगा नहीं, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तानी भाई मिल गए तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी जगह दे दें, अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, हमें खरीदना पड़ेगा। आज हमारा आखिरी टूर है सिंगापुर में, आखिरी दिन है, सॉरी, होटल से चेक आउट कर चुके हैं, ये सामान लेके घूम रहे हैं, जा रहे हैं अभी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हमारे क्या कहते हैं कार्ड के रिफंड के पैसे भी लेने हैं, फिर एयरपोर्ट के लिए मेट्रो भी कराएंगे। नाश्ता नहीं किया है, अब जो है ना नाश्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़्लाइट में भी नाश्ता कुछ भी नहीं मिलेगा एयर एशिया में, और शाम की फ़्लाइट है तो बीच में एयरपोर्ट पर भी खाना मुनासिब नहीं, क्योंकि बहुत महंगा मिलेगा एयरपोर्ट पर, सब देखते हैं। तो बस सिंगापुर को बाय बाय कर रहे हैं, सिंगापुर बाय बाय, अब जा रहे हैं हम लंका भी। आ चुके हैं टर्मिनल 4 से सिंगापुर के, यहाँ से रिक्शे के फ्लाइट लेके लंका भी जाएंगे, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। हाँ बस हाँ, भूख बहुत टाइट लग रही है, नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता करके तो मिल गया, बहुत अच्छा टर्मिनल, बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है नाश्ता का, देख सकते हैं। सो बोर्डिंग सब कुछ होने के बाद सिंगापुर एयरपोर्ट पे लंका भी के लिए जा रहे हैं, तो बहुत भूख लग रही थी, नाश्ता नहीं किया था होटल का, नाश्ता हमने मिस कर दिया था, तो आज अभी मैकडॉनल्ड में बैठे हैं भाई, नाश्ता कर रहा हूँ, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ यार, रोहित मोस्ट कर रहा है, रोहित की बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, इस वजह से वो परेशान हुआ होगा, सदमे में जा चुका है, बस फिर नाश्ता करके निकलेंगे। फिर वहाँ पर लंका में हाँ 3 घंटे का भी स्टे, मतलब 3 घंटे का वेटिंग है अभी, 3 घंटे बाद की फ्लाइट है, 5 बजे की फ्लाइट है हमारे यहाँ पे, लगभग 2:30 बजे, 5:30 बजे की फ्लाइट है, 2:30 बजे।